Hello friend, welcome to my channel जानकी क्रोचेट ब्लूम। Friends, आज हम ये नए तरीके का फ्लावर बनाना सीखेंगे। ये इस तरीके से है, इतना ब्यूटीफुल है। देखे फ्रेंड, ये जितना दिखने में ब्यूटीफुल है उतना बनाने में बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये दो रंग में बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक लूप्स डालकर एक नॉट बना लेंगे और इस रिंग में सबसे पहले हम 3 चैन डालेंगे और 18 डबल क्रोशिया डालेंगे। हमें 18 डबल क्रोशिया डालने हैं इस रिंग के अंदर। बीच बीच में धागा टाइट करते जाएंगे। और यहाँ से हम चैन में डालकर नीडल से स्लिप स्टिच से पैक कर लेंगे। अब हमें 10 चैन लेने हैं फ्रेंड्स। और रिंग को टर्न करके एक टाका छोड़कर अगले टाके में हम नीडल्स को डालेंगे और वहाँ से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले 2 चैन और इस जगह पे हमें 9 डबल क्रोशिया डालने हैं। नौ डबल क्रोशिया डालने हैं हमें यहाँ पर। हम
सामने की ओर टर्न करके हमें चेन में हमें स्लिप स्टिच से ये डिज़ाइन पैक कर लेनी है फ्रेंड्स। और एक चेन, फिर हमें यहाँ पर 25 डबल क्रोशिया डालने हैं। पच्चीस बार हमें डबल क्रोशिया से बुनाई करनी है पूरी जगह पर। इसी तरीके से हमें 25 बार डबल क्रोशिया डालनी है। और अब एक टाका छोड़ दो हम एक टाका छोड़ के हम अगले टाके में स्लिप स्टिच से इसे पैक करेंगे। और वहां पर हम फिर से 10 चेन लेंगे। फिर से डबल क्रोशिया से बुनाई कर लेंगे। दो चेन लेंगे। फिर से हमें यहाँ पर 9 बार डबल क्रोशिया लेने हैं। सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स। चेन में हमें 25 डबल क्रोशिया डालनी है। फिर से एक बार दिखा देते हैं। Thank you.
प्रोसेस है। इसी तरीके से हमें ये पूरा फ्लावर बना लेना है। हर एक चेन छोड़कर हमें ये डिजाइन बनाना है। ये मैंने बना लिया है फ्रेंड्स, ये लास्ट है। फिर से आपको दिखाती हूँ लास्ट में किस तरीके से स्टिच कर। जो फर्स्ट वाला हमने डिज़ाइन बनाया था वहाँ पर हमने एक चेन छोड़ी थी, एक टाका छोड़ा था, उसी टाके में हम यह इस डिज़ाइन को हम अटैच कर लेंगे। तो हमारी 8 पंखुड़ियाँ पूरी तरीके से हम इस चेन में हम नीडल्स की मदद से पैक कर लेंगे और ये डिज़ाइन तैयार है। डिजाइन को कवर करके इसे पैक करते जाना है। हम 5 चेन लेंगे फ्रेंड्स और जो छोटा वाला डिजाइन लिया था जहां पे हमने 2 चेन लिए थे वो 2 चेन में हम जो 2 चेन लिए थे उसके अंदर से 5 चेन लेकर फिर से उसी तरीके से 2 चेन के अंदर हम नीडल्स की मदद से हम स्लिप स्टिच डालते हुए Thank you.
है फ्रेंड। अब जो चेन हमने बनाई है इस चेन के अंदर हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है, 3 चेन और 6 बार डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे 3 चेन लेंगे फ्रेंड्स, फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से पूरा राउंड रेडी कर लेना है। 3 चेन, 6 डबल क्रोशिया। हर एक चेन में 6-6 डबल क्रोशिया डालकर बनाना है। देखिए फ्रेंड, ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगी तो सब में पहले आप उसे देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। Thank you.